तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 में निकलने वाली है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल में आपको जो भी रिसेंट में जॉब से वैकेंसी से रिलेटेड जो भी योजनाएँ से रिलेटेड आती है, उसके लिए सबसे पहले हम वीडियो बना देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आपके इस वीडियो में आप बताने वाले हैं आपको GDS जो भर्ती निकली है यहाँ पर इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से, उसके बारे में। यहाँ पर सीधा जैसे सीधा अपने वेबसाइट पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय डाक विभाग में पोस्टमैन मेल, यहाँ पर गार्ड पोस्ट मास्टर, ग्रामीण डाक सेवा के रिक्त पदों में हजारों पद का यहाँ पर जल्द ही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे भारतीय डाक विभाग ने बेरोजगार युवाओं को बहुत से सुनहरा मौका दिया है। सामने यहाँ पर आया है कि यहाँ पर भारतीय डाक विभाग के द्वारा विभिन्न यहाँ पर सर्किलों के रिक्त पदों के आधार पर यहाँ पर भर्ती के लिए अधिकारित नोटिफिकेशन जारी करने वाली है, जिसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं, क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आधार पर यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन सीधे आमतौर पर यहाँ पर सीधे में तौर पर यहाँ पर किया जाता है। ऐसे में जो अभ्यर्थी डाक में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ रही है। उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 के बारे में, यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, कब इसका अप्लाई करोगे, कब इसका लास्ट डेट है, सब आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं डाक विभाग में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता, सैलरी, उम्र यहाँ पर चयन की प्रक्रिया निर्धारित यहाँ पर की गई है, जिस प्रक्रिया के आधार पर हम ही उम्मीदवार का चयन डाक विभाग में नौकरी के लिए यहाँ पर किया जाता है। ऐसे में अगर आप डाक विभाग की नौकरी करना चाहते हैं तो आप आने वाली भर्ती का इंतज़ार कर सकते हैं। भर्ती के लिए जारी की गई नोटिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर अंतिम तिथि सबसे पहले यहाँ पर देख सकते, पहले आवेदन की प्रक्रिया में शामिल होकर डाक विभाग के सरकारी नौकरी पा सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके, अब हम जानकारी बताएंगे कि आप पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, इसके बारे में आपको कि आप कितने पास रहोगे, अब कैसे आपका चयन होगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय डाक विभाग यहाँ पर द्वारा देश के विभिन्न डाकघर में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिस आधार पर ग्रामीण डाक सेवक, गार्ड पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन यहाँ पर पद के लिए यहाँ पर 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अन्य यहाँ पर देख सकते हैं पदों के लिए यहाँ पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यता आधार यहाँ 12वीं पास और ग्रेजुएट के पास यहाँ पर अभ्यर्थी अभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें आयु की सीमा क्या रखी है, किस किस वाले आयु यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर देख सकते हैं इसकी आयु, आपको यहाँ पर पोस्ट आपको आयु सीमा बताएंगे। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 के लिए 18 वर्ष से लेकर यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम यहाँ 40 वर्ष तक की उम्र के अभ्यर्थी का आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। उम्र सीमा में छूट सरकार के नियमानुसार लागू की गई है। इस आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को यहाँ पर 5 वर्ष के यहाँ पर छूट देखने को मिलेगा और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर 2 वर्ष की छूट यहाँ पर आयु सीमा में यहाँ पर 2 वर्ष तक यहाँ पर पिछड़ा वर्ग को छूट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बताएंगे पोस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए आपकी चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे आप इसमें चयनित होगे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय डाक विभाग के द्वारा पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 के अंतर्गत अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया पर निर्धारित की गई है। यहाँ पर ग्रामीण डेस्क और पोस्टमैन पदों पर यहाँ पर चयन के लिए यहाँ पर 10वीं बोर्ड के यहाँ पर पास के लिए उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा। यहाँ पर मेरिट उम्मीदवार को चयन किया जाएगा मेरिट लिस्ट के आधार पर। यहाँ पर मेरिट सूची में नाम आने वाले उम्मीदवार को दस्तावेज प्रशिक्षण के लिए एवं अन्य प्रक्रिया के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है, जिस आधार पर उम्मीदवारों का चयन अलग अलग पद पर किया जाता है। आपके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अलग अलग पद यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद आपको बता देंगे पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना रहेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी शुल्क क्या रहेगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 में आवेदन के लिए यहाँ पर सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग वाले के अभ्यर्थियों को यहाँ पर 500 रुपये की आवेदन फीस यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद ऑनलाइन जमा करना होगा यहाँ पर इसको
अन्य पिछड़ अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर 250 रुपये का फीस यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन जमा करना होगा। डाक विभाग की भर्ती के लिए पर ओर से यहाँ पर देख सकते हैं महिला उम्मीदवार एवं विकलांग उम्मीदवार के लिए विशेष यहाँ पर छूट की व्यवस्था इसमें की गई है। जो भी महिला है और जो विकलांग है उसके लिए यहाँ पर छूट की अलग व्यवस्था यहाँ पर विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। पोस्ट ऑफिस भर्ती कब आएगी, आपका इंतज़ार कब इसमें ख़त्म होगा, कब इसका डेट जारी होगा, उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पोस्ट ऑफिस भर्ती कब आएगी, कब तक आ सकती है इसकी डेट। तो यहाँ पर देखते हैं भारतीय डाक विभाग के जल्द ही रिक्त पदों के आधार पर भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। आपको बता दें कि हाल ही ग्रामीण डाक सेवक के लिए पद पर यहाँ पर देखते भारी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके लिए उम्मीदवार का चयन पूरी कर ली गई है। ऐसे में जल्द ही विभाग की ओर से अगली भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी करके रिक्त पद पर यहाँ पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। तो ऐसा अनुमानित है कि अगले महीने मतलब अप्रैल तक, अभी मार्च चल रहा है, अब अप्रैल तक इसका अधिकारी वेबसाइट पर आमतौर पर इस पर आधिकारिक तौर पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अप्रैल तक जारी हो सकती है। अप्रैल तक इसकी भर्ती आप जारी हो सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर अप्रैल अगले माह तक इसकी नोटिफिकेशन इसकी भर्ती यहाँ पर जारी हो सकती है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करोगे, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हालांकि अभी इस ऑनलाइन भर्ती नहीं हो रहा, फिर भी सिर्फ जानकारी के लिए इसका वो बता देते हैं। यहाँ पर देखते हैं पोस्ट ऑफिस 2024 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार डाक विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन आधारित होती है। ऐसे में अभ्यर्थी अपने 10वीं बारी बोर्ड के मार्कशीट एवं अन्य दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन कर पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 में शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी डाक विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती के लिए यहां पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर थोड़े से और आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं डाक विभाग में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए यहाँ पर भारतीय डाक विभाग का बम्फर नौकरी आने वाली है। आपको बता दें कि हाल ही में यहाँ पर डाक विभाग की ओर से हज़ारों ग्रामीण डाक सेवक के पद पर यहाँ पर भर्तियाँ की गई है। यहाँ पर ऐसे में अनुमानित है कि जल्द ही विभाग की ओर से अन्य पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली जाएगी। इसके लिए अपन आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन आपको रखी गई है, ऑनलाइन इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी अधिक जानकारी डाक विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में जाकर इसमें रिटायरमेंट वाले सेक्शन चेक कर सकते हैं। इस अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसका अप्रैल में आपका डेट जारी होगा, अप्रैल तक इसका भर्ती होगा, जो कि पिछले बार किया था उसका यहाँ पर भर्ती संपूर्ण की हो चुकी है। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक।